तो आंटा सेट आ रही है अरे ले उधर कौन कौन करना सुपर मजा मजा आ गया ले ले मैंने आगर पूरा अरे शरीर आ गया हम रहू जो करना खेल रहा है तो हम आए हम भी तमन तमन आई पर क्यों बोलो तुम आई पर दोस्तों स्वागत हमारी चैनल अरवाली के पन्ने में। दोस्तों साकरिया गांव भोला भाई दला भाई जिनका एक पानी का टंकी है वहाँ एक कोबरा सांप जो बेबी कोबरा है वो अंदर घुसा हुआ है तो निकालने के लिए कॉल आया था तो हम निकालने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो सांप का डर, तो सांप का डर जो लोगों के जहन में घुसा हुआ है तो हमारा काम है सांप के जो डर जो लोगों में घुसा है उसको निकालना। तो ये है कोबरा सांप, तो हम अभी अरे मरा वाला पहले वो मैं की चुआ जो ले तो दोस्तों ये है बेबी कोबरा जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर किसी बंदे को ये काटता है तो एक या डेढ़ घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। अगर ये नॉर्मल बाइट देता है तो कम वेनम डालता है, अगर पकड़ लेता है तो ज़्यादा वेनम डालता है तो 40 से 45 मिनट, अगर ये ज़्यादा वेनम डालता है तो 40 या 45 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर है। अगर ये काटता है तो नर्वस सिस्टम इंसान की ख़त्म कर देता है, चेता तंत्रिका है वो ख़त्म कर देता है। तो इससे बचना है तो सिर्फ सरकारी अस्पताल या जहाँ भी सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है, वरना झाड़ फूक भुआ देते। जो लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र से सांप का जहर उतरता है तो ये गलत बात है। तंत्र मंत्र से कभी भी सांप का जहर उतरता नहीं है, लेकिन इसको बचना है तो सीधा सरकारी अस्पताल। तो हमारे ये जो लोग हैं वो सांपों से बहुत डरते हैं, तो हम एक बात और बता दें कि नागराज ये जो हमारा गोगा महाराज है स्पेक्टिकल कोबरा वो अगर काटता है तो 80% किसी में वेनम नहीं डालता, ये नॉर्मल बाइट देता है। लेकिन इंसानी सोच ऐसी है कि अगर सांप काट लेता है तो इंसान घबरा जाता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट अटैक होता है और इंसान की मौत होती है और बदनामी नाक हमारे जो सांप है वो होते हैं। तो ऐसे वो काटते नहीं है, लेकिन लोग बहुत ही डर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा काम है लोगों के जहन में जो सांपों का डर है उसको दूर करना, और ये इतने भी खतरनाक नहीं होते क्योंकि ये पर्यावरण और प्रकृति के मित्र है, ऐसे किसी को काटते नहीं है। किसी का हाथ पैर इसको लगता है और प्रेस होता है तो ही ये काटते हैं, वरना काटने का पसंद भी नहीं करते। तो ये है हमारा नागराज, बहुत ही छोटा है लेकिन अभी थोड़ा पानी में गिरा था क्योंकि भोजन की तलाश में आया होगा तो पानी में गिर गया था। तो ये थोड़ा उग्र स्वभाव में है, तो हम ये जो छोटा सा नागराज है उसको अभी पकड़ के ले के जाएंगे और सही सलामत जंगल में इसको छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ, और ये हमारे साकरिया के लोग कभी भी सांपों को ऐसे मारते नहीं हैं क्योंकि हमारे साकरिया गांव के आगे पीछे ही फॉरेस्ट का इलाका लगता है तो छोटे मोटे जीव आ जाते हैं। और सबको पता है कि पर्यावरण के लिए ये ज़रूरी है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है तो हमारे लोग मारते नहीं हैं। तो ये नागराज को जीवित दान सारे लोगों ने मिल के दिया है, तो हम ये सारे लोगों को दिल से थैंक्स बोलते हैं और धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि पर्यावरण के ऐसे जीवों को बचाने के लिए
ये लोग थोड़े जागरूक हो चुके हैं, तो सांप को ऐसे मारना नहीं है, क्योंकि इसके वेनम जो इसका जहर है उसमें से ही हमारी दवाइयाँ बनती है। जितनी हम दवाइयाँ लेते हैं तो ये सांप के जहर से ही बनती है, तो सांप ऐसे भी हमारे लिए ज़रूरी है, पूजनीय है। तो दोस्तों, लोगों के जहन में जो गलत धारणा है उसको हम निकालने का ट्राई करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। लो, कोई ना सवाल करो तो कर जो, हो आप भी से ना काले तो मोटो तो खा ना अलग नहीं सहमत है नाग जो पेलो नाग जो આપણી બાજુ એક જ પ્રકારનો નાગ છે, પ્રેક્ટિકલ કોબ્રા। પ્રેક્ટિકલ કોબ્રા એટલે કે તમે પાછળ જે ત્રિશુર કહો છો ને, ત્રિશુર વાળા જ નાગ છે। કોકને દેખાય, કોકને ના દેખાય, કરવા જ ગયેલા તો બુવા બુમ થતી હતી ફટ। બસ બેટા, બસ બસ, લે ચોટલા ઇન કઈ રે, લે કઈ રે, એટલે માર લે, ડંખ માર લે, એટલે ગમ પડે તને માર। એમને એમ કોઈ કરતા નથી, આ તો લોકો ખાલી ખાલી બીવે છે, બાકી આ હાથ એમને એમ કોઈને કશું કરતા નહીં। એનું કારણ છે દબોણ, તો કોઈ ના ગમે દાદા। તમે કમ્પ્લેટ ઉમતાવો, કમ્પ્લેટ ઉમતાવો અને ઘેર કહો તો બૈરું કે સોરું સાથી પર ટોચ્યો મેલ દે, દબાઈ દે તો ઉભા થઈને બે લાફા મારી દઈએ બરાબર। પછી ના જોઈએ કે કોણ છે, પછી માર્યા પછી ભલે ને આપણે ભૂલ થઈ જઈએ, જે થઈ જઈએ કરીએ। હા, એવું છે, આવું છે, કોને પોપોનો ના હોય તમને ખબર ના પડે કોણ કરે, પણ એ આરામ જ કરતો કો, અને ખાવું પીવું બસ આ જીવની જિંદગી। કોઈ મણી મણી નહીં આવતી, કઈ કાલે તો મોટો ના કરતા, તો નોનું બચ્યું છે, ના ગભરાઈ ગયેલું છે બચારું બોલે છે કે મેં દીધો ના, એટલે ગમે તો દોડીને નાઈ જાય, તો બીજું તો શું થાય, જતો રહે જતો, કારણ કે નોનું ખરું ને, એટલે પકડવામાં થોડી વાર લાગે, દોરો સ્પીડમાં લેટ એમ કહે। લા આપણો હોય બધા હાપોથી ગભરાય છે ને, એ બહુ કાઠું છે, ગભરાવાની જરૂરત નહીં, આ કહેતો નહીં એમની, અને પકડવાનો ટ્રાય કોઈ દાર કરવો નહીં આવી, કારણ કે જો સુધી ટ્રેનિંગ ના લે ને તો સુધી નહીં પકડે, કારણ કે હું તો ટ્રેનિંગ લ્યો ને તો તમને ખબર પડે। મુલાકાત કરી આવ ફાટી છે। તો દોસ્તો, ઇસકો અભી હમને રેસ્ક્યુ કર લિયા હૈ, અભી જંગલ મેં હમ લે જાયેંગે ઓર સુરક્ષિત ઇસકો હમ છોડ દેંગે, કાફી તો પડે પણ તો અભી ઇસકો હમ લે જા કે સુરક્ષિત છોડ દેંગે, બને રહી હમારે સાથ, હમારી ચેનલ અરવાલી કે પન્ને કે સાથ। જય હિંદ, જય ભારત। દોસ્તો, સાકરિયા જહાં અમે પાણી કી ટંકી મેં અભી એક સાપ
घुसा था और पानी की टंकी में गिर गया था, तो वो भी एक बेबी कोबरा ही है। तो इसको भी हम लेके आए क्योंकि पानी की टंकी में गिरा था तो लोग इतने डर गए थे। लेकिन हमारे साकरिया के लोग ऐसे सांपों को मारते नहीं हैं, लेकिन डर, सांप का डर उनको भी लगता है। तो हमें कॉल करके बुलाया तो हमने पकड़ लिया, तो इसको पकड़ लिया तो हम सुरक्षित इसको भी छोड़ते हैं अभी। तो ये छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े जबरदस्त होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं सांप काटने की मुद्रा में। लेकिन ये काटने की मुद्रा नहीं थी, वो सिर्फ डराने की मुद्रा थी क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं काटते। तो हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों को लाके सुरक्षित छोड़ना। तो हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।